यूपी के श्रावस्ती में बारिश के बाद आई बाढ़ से नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ ने तांडव मचाया है, कई गांव पानी से घिर गए। जिधर नजर जाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, पूरा इलाका पानी से जलमग्न है। लगातार हो रही बरसात और नेपाली नदी से आए पानी से राप्ती बैराज का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसकी वजह से राप्ती नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ ने जिले के कई इलाकों में तांडव मचाया है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उसने बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां कर ली हैं। तो हम अभी बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं और सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो गांव में जाएं और जो भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। वहीं सड़कों पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण बहराइच जमुना मार्ग और महलीपुर मार्ग का आवागमन बंद कर दिया गया है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,50,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.9% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 31% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच पाए हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।